हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आज मैं बैठी हूँ अपने बगीचे में अपने मिर्ची के पौधों के पास। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिर्चों के ऊपर और मिर्च के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि मिर्च के साथ दो समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं। एक तो उसके फूलों का झड़ जाना मिर्ची के, और दूसरा पत्तों का पीला पड़ जाना। तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप मिर्च का पौधा उगा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम हर टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केयर की। पौधे की केयर आप करेंगे तो पौधा अपने आप हेल्दी होगा, और पौधा हेल्दी होगा तो फिर उसमें कई तरह के जो विकार होते हैं, समस्याएं जो होती हैं, वो अपने आप नहीं आती। जब आप पौधे की केयर कर रहे हैं तो आप उसे अपने आप से रिलेट करके देखिए कि जैसा आप खाना खाते हैं, जैसी आप अपनी लाइफस्टाइल रखते हैं, उसी तरह से आपकी बॉडी, आपका ब्रेन सब कुछ अच्छे से काम करता है। तो उसी तरह हमारे पौधे की भी एक अपनी लाइफस्टाइल है, हमें उसकी अच्छी लाइफस्टाइल के साथ उसको ग्रो करना है। जैसे इसे सही सूर्य की रोशनी मिलना बहुत ज़रूरी है, टाइम से पानी मिलना ज़रूरी है, इसकी गुड़ाई करना ज़रूरी है, इसकी छटाई करना ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने पौधों के साथ इन चीज़ों को टाइम टू टाइम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की रोशनी, प्रकाश, सनलाइट पौधे हर पौधे के लिए ज़रूरी है। इंडोर प्लांट्स को छोड़ के जो पौधे आपके किचन गार्डन में हैं उनके लिए सूर्य की रोशनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में फुल डे सनलाइट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कुछ टाइम के लिए आता है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आपको पता है कि आपके घर में इस टाइम पे सनलाइट आ रहा है आपके बालकनी में, तो उस टाइम के लिए पौधों को अपना थोड़ा आगे की तरफ सरका दें या उसी साइड रखें जहाँ पर अपने पौधों को, जहाँ पर आपके सूर्य की रोशनी आती हो। नंबर एक तो इन्हें आप सूर्य की रोशनी प्रॉपर दें। नंबर दो पानी। दूसरा दोस्तों, पानी के साथ भी ये है कि आप एक प्रॉपर टाइम बना लें कि आपको अपने पौधों को किस समय पानी देना है, सुबह देना है, शाम को देना है, कब देना है। दूसरा, मौसम भी पे भी निर्भर करता है। जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात में आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बारिश हो रही होती कि हमारे पौधे जो है ओवर वाटरिंग के शिकार हो जाते हैं, और उस दौरान आप जो भी बीज डालते हैं बल्कि वो सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश में पानी पड़ चुका होता है। तो इसीलिए बरसात में तो इतनी ज़्यादा बल्कि आपको पानी से बचाने की ज़रूरत होती है पौधे को, बजाय पानी देने के। रही बात गर्मी की, तो गर्मी में आपको दो बार पानी देने की ज़रूरत होती है, सुबह और शाम को। वो भी निर्भर करता है कि हर पौधे के इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे मिर्ची का पौधा है, मिर्ची के पौधे को आप देखिए, आपका बड़ा गमला है, छोटा गमला है, छोटा गमला है तो आपको एक बार देने की ज़रूरत है, आपका बड़ा गमला है तो आपको दो बार देने की ज़रूरत है। और आपको ये पता कैसे चले कि आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये ऊपर का ये जो एरिया होता है उसका, मिट्टी का, जहाँ पर आपका पौधा लग रहा होता है, वहाँ की ऊपर की सतह जब सूखी हो जाए, इसका मतलब आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है। अब वहीं आप इस वाले पौधे को देखिए, इसमें नमी है पूरी तरह से, तो इसका मतलब हमें इस पौधे में पानी नहीं देना। आप ये नियम मत बनाइए कि अगर मैंने सुबह इसमें दिया है तो शाम को भी देना ही है। वो आपके पौधे के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, वो आपको खुद बता देगा उसे पानी की ज़रूरत है। तो एक ये नहीं कि जब मर्जी आप पानी दे दें, एक फिक्स टाइम आप डिसाइड कर लें। तीसरी बात है इनकी गुड़ाई की। दोस्तों, पौधे को एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि जड़ों को हवा मिलती है और वो उसकी ग्रोथ के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं। तो गुड़ाई कैसे करनी है, छटाई कैसे करनी है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे चैनल पे है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पौधे में हर आप एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में, जो भी दिन आपको छुट्टी का मिले, आप अपने पौधे में गुड़ाई करें। दूसरा, आपके पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों, वो जमी हुई नहीं होनी चाहिए, वो देखिए इस तरह से बुरबुरी होनी चाहिए कि आप यूँ उठाएं और आपके हाथ में आ रही है, ऐसा नहीं कि वो बहुत टाइट हो। उस ये बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा अच्छा रहता है इससे पौधे की हेल्थ के लिए कि आपकी मिट्टी बुरबुरी हो। एक और बात, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पौधा बढ़ नहीं रहा है हमारा, मिर्च का पौधा, तो उसके लिए दोस्तों आप इसमें प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये भी मैंने आपको बनाना बताया था मेरे चैनल पे
ये वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप प्याज के छिलकों से किस तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अगर आपके पौधे में आपको लग रहा है ग्रोथ कम हो रही है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। हर एक हफ्ते में या 10 दिन में आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पौधे का पीला पड़ना। पीला पड़ना भी दरअसल क्या होता है कि पौधा ओवर पानी पसंद नहीं करता, कोई भी पौधा हो। जब आप ओवर पानी उसमें पड़ जाता है तो उसकी जड़ें जो है वो उस पर उसका बड़ा गलत असर पड़ता है और पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और फूल झड़ने लग जाते हैं, जो ये दो समस्याएं मिर्च के पौधे के साथ हैं। तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। एक तो आप अपनी ओवर वाटरिंग कम करें, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, उसे सुधारिए। और जैसे मैंने बताया कि जब पानी की ज़रूरत हो तभी डालिए, उस समस्या की ये वजह है। ठीक है, अब बात करते हैं फूल का झड़ना और उसमें मिर्च में तब्दील ना होना। दोस्तों इसके लिए पॉलिनेशन भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर से मिर्च का जब पौधा है ना, इसके बारे में बताऊं, जब इसमें फूल लगने शुरू होते हैं तो आपको थोड़ा सा पानी कम कर देना चाहिए। अगर आप दो बार दे रहे हैं तो आप एक ही बार दें, ख़ास तौर से जब आपके फ्रूटिंग हो रही है और आपकी फ्लावर खिल रहे हैं, उस समय हाथ को रोक लीजिए पानी डालने में, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है ज़्यादा पानी। ठीक है, अब आप कोई भी पौधा लगाते हैं उसमें पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है उसका, तभी वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। दोस्तों इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जहाँ भी आपके सब्जियों के पौधे लगे हैं वहाँ पर आप एक दो पौधे फूल के भी लगाएं, ताकि आपके बगीचे में मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, चींटियाँ, तितलियाँ, ये सब आती रहें, मंडराती रहें, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं, पॉलिनेशन होता है तो उससे आपकी फ्रूटिंग होती है। इनकेस आपके बगीचे में, आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर तितलियाँ नहीं आती हैं, मधुमक्खियाँ नहीं आती आपके बगीचे में, मक्खियाँ नहीं आती, चींटियाँ हैं ही नहीं, थोड़ी बहुत चींटियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं, ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ी बहुत तो पौधों में मंडराती हुई चींटियाँ बहुत ज़रूरी हैं, पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। इन केस नहीं हो रहा है तो आपके पास दो उपाय हैं, एक तो हैंड पॉलिनेशन और दूसरा अपने बगीचे में फूलों के पौधे लगाना, जिसमें से पहला जो है फूलों के पौधे लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हैंड पॉलिनेशन आखिर आप कितने फूलों में करते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हैंड पॉलिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके फूल जो हैं वो झड़ रहे हैं और वो फ्रूट में नहीं तब्दील हो रहे, तो देखिए जैसे ये फूल का पौधा है, हमने फूल को उससे पहले सीधा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मिर्च के पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता, तो इसे हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब इसके लिए आप लेंगे इस तरह का एक ब्रश, जो कि हर घर में छोटे बच्चों के पास होता ही है। इस पत्ते को आप, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इससे यूं टच करते हुए आप पत्तियों की तरफ फैलाएंगे इसे, इस तरह से। इसे कहते हैं हैंड पॉलिनेशन। बस आराम से थोड़ा उसे पकड़े रखिए, ऐसा ना हो कि आपका फूल ही झड़ जाए। उसके फूल को आप मजबूती से और थोड़ा आराम से सॉफ्ट हाथ से आपको ये काम करना है। इस तरह से आप थोड़ा सा ब्रश अपने फूल पे फैराइए ये। तो इस तरह से आप हैंड पॉलिनेशन की मदद से भी अपने जो फूल हैं इन्हें झड़ने से रोक सकते हैं, इन्हें मिर्च में तब्दील कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। और एक बात और, मुझे एक ने कहा कि आप हरी मिर्च के पौधे आपके घर में लगे, लाल मिर्च के भी लगाइए। तो इस मासूम से सवाल का मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि और भी लोगों को लगता हो कि मिर्च और लाल मिर्च और हरी मिर्च का पौधा अलग अलग होता है। दोस्तों एक ही पौधा होता है, पहले मिर्च हरे रंग की होती है, फिर वो इस तरह से डार्क हो जाती है, थोड़ा कालापन आ जाता है इस पर, और उसके बाद वो यूँ लाल मिर्च में बदल जाती है। यानी हमारी हरी मिर्च ही जब पक जाती है तो वो लाल रंग में हो जाती है। और आप चाहें तो इसी समय से तोड़ के धोकर धूप में सुखा दें और इसमें ग्राइंडर में इसे पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं, मिर्ची पाउडर बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसे लाल रखना चाहते हैं या हरे में तोड़ना चाहते हैं। मुझे कुछ लाल चाहिए थी तो मैंने लाल भी रखी हैं, और हरी हैं तो हरी भी हैं।
तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर करिए, उसकी देखभाल करिए। इसे आप अपने बिल्कुल मतलब ये मानिए कि आपको प्रॉपर टाइम पे खाद देनी है। खाद आपको तभी देनी है जब मैंने आपको बताया कि आपको पौधे की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई के वक्त ही आप हर गमले में कम से कम एक मुट्ठी के करीब खाद उसी समय डाल दें, क्योंकि जो कोई भी खाद, चाहे आपके वर्मी कंपोस्ट हो, आपके गोबर की खाद हो, या आपकी किचन वेस्ट से बनी हुई खाद हो, प्रॉपर खाद, प्रॉपर पानी, प्रॉपर गुड़ाई और इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके पौधे अपने आप ही स्वस्थ होंगे, किसी भी तरह की दिक्कत उनमें नहीं आएगी। तो आज के लिए ये मेरे हरे भरे मिर्ची के पौधे के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।